विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में सेक्टर 30 में स्थित दिव्य योग मंदिर में आयोजित 3 दिवसीय योग कार्यक्रम के समापन पर पहुंचे चंडीगढ़ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय टंडन। योग प्रक्रिया पूरी होने के बाद जब कार्यक्रम अंतिम पड़ाव पहुंचा तो संजय टंडन मंच पर पहुंचे और उन्होंने योग अभ्यास करने आए हुए लोगों को संबोधित करते हुए योग के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने योग प्रक्रिया को संयोग, उपयोग और प्रयोग में विभाजित कर योग के विज्ञान को बड़े सहज तरीके से लोगों को समझाया। चलिए अब आपको दिखाते हैं संजय टंडन ने योग विज्ञान के बारे में क्या कहा। होता था तो उसको जमा करने को योग बोलते थे कि ये दो चीजों का योग क्या है, तो ये मन का और आपके शरीर का, ये दोनों का जो मिलना है इसको योग कहा जा रहा है। और योग ऐसी चीज है कि आप इसका, इसके साथ भी कोई शब्द लग जाता है, एक संयोग है कि अच्छा योग होता है तो उसको संयोग बोल देते हैं। ये एक महज संयोग है कि आप मिसेस लाल आज यहाँ पर आए हुए हैं, उनकी सुपुत्री भी यहाँ पे आपको बता रहे हैं, और आप सब लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संयोग से आप सब यहाँ पर बैठे हैं। और यही योग के साथ आप उप लगा देते हैं तो इसका उपयोग भी आप कर रहे हैं। जो जो फायदा आप लेकर जा रहे हैं यहाँ से, उस फायदे के साथ आप घर में जाएं, आपका शरीर अच्छा हो, आपका मन अच्छा हो, आपका जीवन अच्छा हो, तो ये भी एक उसका अच्छा उपयोग है। अगर प्र लगा देते हैं तो ये प्रयोग आपको यहाँ पर सिखाया जा रहा है, इसका प्रयोग रोज करेंगे तो इसका उपयोग होगा और संयोग के साथ आपका योग भी होगा। तो ये सारे शब्द इसके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन एक चीज मैं मानता हूं कि योग को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए, जो ये 21 जून का अंतरराष्ट्रीय दिवस हुआ, तो हम लोग सब जगह देखते हैं कि हजारों नहीं, लाखों ही नहीं, शायद करोड़ों लोगों ने 21 जून को योग का इस्तेमाल किया। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब दिसंबर 2014 में यूनाइटेड नेशन के सामने ये प्रस्ताव रखा, तो पहली बार ऐसा हुआ कि भारत के कहने पर किसी एक दिन को चुना गया कि इस दिन को भारत के साथ जोड़ के उसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के साथ जोड़ा गया। नहीं तो आज तक सुनते थे कभी अंग्रेजों ने इंग्लिश डे कर दिया, कभी उन्होंने फादर्स डे कर दिया, मदर डे कर दिया, अर्थ डे कर दिया, ब्लड डे कर दिया, ऐसे करके कई डेज कई कंट्रीज ने शुरू किए। लेकिन सबसे ज्यादा उपयोगी चीज जो है वो भारत ने दुनिया को दी है, वो मैं मानता हूं कि वो योग है, और योग के माध्यम से ही हम दुनिया को आज सिखा रहे हैं कि हम लोग जो है अपने जीवन का सही इस्तेमाल कैसे करना है। मैं खुद 7 दिन योग शिविर अटेंड करके आया हूँ। पालमपुर में अंग्रेजों ने इंग्लिश डे कर दिया, कभी उन्होंने फादर्स डे कर दिया, मदर डे कर दिया, अर्थ डे कर दिया, ब्लड डे कर दिया, ऐसे करके कई डेज कई कंट्रीज ने शुरू किए। लेकिन सबसे ज्यादा उपयोगी चीज जो है वो भारत ने दुनिया को दी है, वो मैं मानता हूं कि वो योग है, और योग के माध्यम से ही हम दुनिया को आज सिखा रहे हैं कि हम लोग जो है अपने जीवन का सही इस्तेमाल कैसे करना है। मैं खुद 7 दिन योग शिविर अटेंड करके आया हूं पालमपुर में, वहां कायाकल्प के नाम से स्थान है, हमारे वहां के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी ने वहां पे उसको बनाया, और बड़ी सुंदर जगह है। मैं 7 दिन वहां पे योग शिविर में लगा के रात को ही लौटा, तो अभी मेरे को महावीर जी ने कहा था कि यहाँ पे जरूर आना है, तो मैंने कहा मैं सुबह सुबह ही आ सकता हूँ। मैं देर रात को पहुंचा और मैं महसूस कर रहा था कि आज योगा करने का मौका कहाँ मिलेगा, तो आपने मौका दे दिया। और बड़े और कई जगह कई चीजें तो मैं लाल जी से कई बार मिलने का मौका मिला, तो वो हमेशा बताते थे कि वो व्यक्ति के उसके शरीर को देखकर योग का निर्माण कर देते थे, वो ऐसे बताते थे। हमने एक बार बीजेपी के कार्यालय में भी महाराज जी का वहां पे जो है एक योग शिविर रखा था,
और मैं आप सबसे भी प्रार्थना करूंगा कि इस योग को यहां तक ना छोड़ के जाएं, इसको अपने जीवन में उतारें और सुबह कम से कम एक घंटा आप अपने आप को जरूर दें, बिकॉज योर बॉडी डिजर्व्स द बेस्ट। आप देखेंगे अगर शरीर ही माध्यम है कि दुनिया की कोई भी चीज को आपने पाना है तो ये शरीर ही उसका माध्यम है। अगर शरीर ठीक है तो सब ठीक चलेगा। मेरी आप सबसे प्रार्थना है उन लोगों को देखें जिन्होंने काम के लिए या परिवार के लिए या किसी चीज के लिए अपने शरीर को खराब कर दिया, उसके बाद वो शरीर वापस नहीं आता और वो चाहे सारी अपनी जीवन की कमाई भी उसमें लगा देते हैं तब भी वो शरीर वापस नहीं मिलता। इसलिए अपने शरीर को सबसे पहले एक भगवान का मंदिर समझ के इसकी उपासना सुबह शुरू करें, और ये उसके लिए आपको बहुत अच्छी चीजें बता रहे हैं। इनके बीच में और आपके बीच में और ज्यादा रहना ठीक नहीं है। मैं माइक इनको वापस देता हूं और आप सबको ये योग आपके जीवन को सुधार सके उसके लिए शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।